पहले वनडे में रिकॉर्ड जीत के बाद कप्तान कोहली ने कहा हिटमैन है तो क्या गम है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रविवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतरीन पारियां खेली, जिसकी मदद से मेजबान टीम ने आसानी से 323 रन का लक्ष्य हासिल किया। कोहली शर्मा की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 246 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जो कैरिबियाई टीम के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 50 ओवर के प्रारूप में यह भारत की सातवीं सबसे बड़ी साझेदारी भी रही। मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, जब रोहित दूसरे छोर पर हो तो जिंदगी कठिन नहीं रह जाती है। हमारे टीम के टॉप तीन बल्लेबाजों में मेरी भूमिका पारी को एंकर करने की होती है, लेकिन पहले वनडे में मुझे अच्छा लगा। मैंने रोहित से बातचीत की और कहा कि उन्हें एंकर की भूमिका निभाना होगी। कोहली जब क्रीज पर रोहित का साथ देने आए तब टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट पर 10 रन था। फिर कप्तान ने मैदान के चारों कोनों में बाउंड्री लगाई, जबकि रोहित ने अधिकांश स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया। जब कोहली आउट हुए तब तक वे 21 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 140 रन बना चुके थे। इसके बाद रोहित ने अंबाती रायुड्डू के साथ 70 रन की मैच विजयी पारी खेली। इस दौरान हिटमैन अपनी लय में नजर आए और आक्रामक होकर उन्होंने नाबाद 152 रन बना दिए। कोहली ने कहा, जब मैं आउट हुआ तब रोहित ने आक्रामक रुख अपनाया और रायुड्डू ने एंकर की भूमिका अदा की। मुझे हमेशा रोहित के साथ बल्लेबाजी करने में मजा आता है। हमारे बीच पांचवीं या छठीं द्विशतकीय साझेदारी हुई। जब हम दोनों बल्लेबाजी करते हैं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमें पता है कि इससे टीम को फायदा मिलेगा। विराट कोहली ने जुलाई के बाद पहला वनडे खेला। उन्होंने एशिया कप में ब्रेक लिया था। अब कोहली को वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने के लिए केवल 81 रन की दरकार है। इस बारे में उन्होंने कहा, खेल का आनंद उठाने के लिए मेरे पास कुछ साल बचे हैं। देश के लिए खेलना गौरव की बात होती है, इसलिए आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। मुझे पसंदीदा खेल में ईमानदार रहना अच्छा लगता है। आप भारत के लिए खेल रहे हो, हर किसी को यह मौका नहीं मिलता, इसलिए आपको इसकी इज्जत करना चाहिए।